जो करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश के समक्ष कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में रैली में जाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को इस देश बचाओ रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज हमीरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महंगाई, महिला अत्याचार आदि महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ये रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से 1000 कार्यकर्ताओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा था, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश से साफ दिख रहा है कि ये आंकड़ा लक्ष्य के कहीं अधिक होगा। चलो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली में देशव्यापी देश बचाओ रैली का आयोजन जो किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का जो जनविरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जो ये जन आक्रोश रैली है, उसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश से भी जो लक्ष्य 1000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने का लिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, उसमें जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी पूर्व पदाधिकारी और विधायक नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सभी सक्रियता के साथ जो है इस रैली के पूरे जोश और खरोश के साथ आयोजन में जुटे हुए हैं और पूरा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर है। हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर जो लक्ष्य हमें दिया गया है उससे अधिक लोग हम दिल्ली में 14 तारीख को सुबह 8 बजे मंडी हाउस हिमाचल भवन के बाहर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ से कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में हम जो हैं वो पूरे काफिले के साथ जो है वो रामलीला मैदान के लिए जाएंगे। हम इस रैली के लिए पूरी उत्सुकता से कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं और पूरे सक्रियता के साथ इसमें तैयारी कर रहे हैं।